बिहार की राजनीति में अगला हफ्ता राजनीतिक मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को 12 फरवरी को बहुमत साबित करना है। बहुमत साबित किए जाने से पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर विधायकों को सहेजने में जुट गए हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों को अपने आवास पर रखने का इंतजाम कर दिया है। वहीं जेडीयू विधायक नीरज ने तंज कसते हुए कहा कि जो डर गया सो मर गया। विधानसभा में सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों का सामान पटना में पार्टी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आधिकारिक आवास पर लाया जा रहा है। फ्लोर टेस्ट से पहले आज शाम पटना में ही आरजेडी विधायकों और महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद नेता यहीं रुके हुए हैं। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने शनिवार को कहा कि एक व्हिप जारी कर अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायकों से फ्लोर टेस्ट के दौरान सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा है। मांझी ने कहा कि हम पार्टी के सभी चार विधायक नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के पक्ष में वोटिंग करेंगे, इसके लिए व्हिप की जरूरत नहीं है। लेकिन सुर्खियों टीआरपी के पीछे भागने वालों की ओर पैदा किए गए भ्रम को दूर करने के लिए ये जारी किया गया है। आप लोगों को न मालूम होगा, हम 10 तारीख को ही, यानी कि आज 10 है ना, हमने जो एक होता है व्हीप, हमने व्हीप जारी कर दिया है कि हमारे चारों विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, विधानसभा में हाजिर रहेंगे और सरकार के पक्ष में बात करेंगे और बोलेंगे भी, और मतदान की स्थिति में सरकार के पक्ष में मतदान भी करेंगे। एक क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई ये नहीं है। अब मिलना जुलना 43-44 वर्ष की राजनीति मेरी है, बहुत लोग आते हैं मिलते हैं, तो उनको मैं मना नहीं कर सकता। और उनके मिलने मात्र से अगर कोई कन्फ्यूजन की बात करता है तो इसका मतलब जीतन मांझी को नहीं समझा है। जीतन मांझी बहुत पहले से कह चुका है, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते हैं। हम जहां हैं वहां रहेंगे और पत्थर के खुट्टा की तरह से अंत अंत तक रहेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले महागठबंधन के विधायकों को अपने आवास पर बुलाया। उन्होंने सभी विधायकों को अपने आवास में ही अगले 2 दिनों तक रखने का इंतजाम कर दिया है। 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट तक आरजेडी के सभी 79 विधायक तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर ही रहेंगे। खास बात यह कि इस दौरान विधायकों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं होगी। सभी विधायक अपने जरूरी सामान के साथ तेजस्वी यादव के आवास पर चले गए हैं। दिन में तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी और उसी बैठक के बाद सभी विधायकों को बैग एंड बैगेज के साथ आने को कह दिया गया था। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सभी दलों को अपने अपने विधायकों को सहेज कर रखने की बड़ी चिंता सता रही है। कांग्रेस के 17 विधायक यहां हैदराबाद में हैं, जबकि बीजेपी के विधायक बोधगया में बने हुए हैं। वहीं आरजेडी ने अपने 77 विधायकों को 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास पर तेजस्वी यादव ने जमा कर रखा है। हालांकि नीलम देवी और कुमार सरजीत अभी नहीं पहुंचे हैं। जनता दल यूनाइटेड विधायक नीरज कुमार ने आरजेडी विधायकों के तेजस्वी आवास पर ठहराए जाने को लेकर के कहा कि जो डर गया सो मर गया। महागठबंधन का घटक दल हार गया, फ्लोर टेस्ट में एनडीए जीत गया। जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर के विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।